अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। निशान भाई इधर बैठे हैं जी। निशान भाई आपसे मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह करना चाहता हूँ। शुभादा जी, एक्चुअली मैं जो है ना फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में जानना चाहता हूँ। फाइबर ऑप्टिक के बारे में सही जना बता सकते हैं सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? ये व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल? फाइबर ऑप्टिक केबल वाला फाइबर ऑप्टिक केबल भी है। ये जो केबल है ये भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, दो पॉइंट के लिए ये केबल यूज़ की जाती है। और ये भी नेटवर्क टाइप की केबल है और ये लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर बताने के लिए भी डिज़ाइन की गई है। और ये हाई परफॉर्मेंस देती है और जो डेटा ट्रांसमिट है वो भी हायर होता है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा इसकी होती है। और ये इसकी सबसे जो ख़ास चीज़ है ना इसकी स्पीड है। तो आपका जो डेटा है वो विदिन जो लाइट की स्पीड है उससे ये ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इसकी जो स्पीड रेट है मतलब कि 10 GB/s भी है, 40 GB/s भी है, 100 GB/s भी है। इसकी वजह से ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जा रही है। अच्छा, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इस ये कितनी किस्म की होती है, मतलब इसकी कितने टाइप्स हैं? अच्छा, इसकी जो टाइप है तो प्राइमरी तौर पर ये दो तरह की हैं, एक सिंगल मोड है एक मल्टी मोड है। और जो सिंगल मोड है उसकी जो डायमीटर है वो थोड़ा छोटा होता है, वो समझ लें कि ज़्यादा ज़्यादा जो है 8.32 to 10 micro तक होता है। और इसमें सिंगल लाइट पे मतलब कि डेटा ट्रांसमिट करता है, ये सिंगल मोड है। और इसमें आपका डेटा जो है वो हायर मतलब कि जो डेटा आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह जो मल्टी मोड है उसका डायर थोड़ा बड़ा होता है ऐसे, और वो 50, 62.5 या 100 micron होता है। और जो कॉमन यूज़ है वो 50, 62 point वाले हैं। और ये भी हायर बैंडविड्थ शिफ्टिंग कर सकता है, लेकिन एक मीडियम रेंज में मतलब कि 200 meter से लेकर 2 kilometer की रेंज में आपका ये जो मल्टी मोड केबल है ये भी डेटा शिफ्ट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसको हम सप्लाईज कैसे करते हैं? सप्लाईज सर, यहाँ पे वाला सप्लाईज के भी है दो तरीके हैं। मोस्ट कॉमनली जो जिसे हम कहते हैं परमानेंट सप्लाईज है वो होती है फ्यूजन सप्लाईज है। जब आप कोई नई जॉब मतलब कर रहे हैं, नई केबल डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग परमानेंट सप्लाईज करेंगे, जिसको फ्यूजन सप्लाईज बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल आर्क से होती है और एक है मैकेनिकल। कभी कोई केबल कट हो जाती है, केबल शॉर्ट हो गई है, या खुदाई में कोई मसला बन गया है, कुछ भी मसला हो सकता है, लेकिन सिस्टम आपको जल्दी से रिन्यू करना और रिकवर करना होता है। फिर एक मैकेनिकल का कैलेंड के स्प्लाइस किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा लॉस ज़्यादा फिर भी रहता है, लेकिन सिस्टम की कंटिन्यूटी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है आप परमानेंट जो सप्लाई है फ्यूजन सप्लाई मशीन से मतलब जो वही किया जाता है। और ये OTDR का क्या फंक्शन है? हाँ, OTDR आपने सही पूछा यार। OTDR ये भी एक डिवाइस मशीन है और टूल है ये सबके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर के काम करते हैं। ये ऑप्टिकल टाइम डोमेन स्पेक्ट्रोमीटर इसका फुल नेम है इसका, OTDR का। और ये जो चीज़ है ये यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ उसका है फाइबर की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए है, मेजरमेंट ऑफ केबल लेंथ करने के लिए है, केबल फॉल्ट को लोकेट करने के लिए है, आपका जो सप्लाईज की जो क्वालिटी है या जो लॉस होते हैं सिस्टम ये आपके नेटवर्किंग में ये उसको फॉल्ट आउट करने के लिए या ट्रेस आउट करने के लिए भी ये यूज की जा सकती है। ओवरऑल जो है ये आपका कम्प्लेक्स जॉब तो नहीं मैं कह सकता, मतलब लार्ज स्केल में यूज OTDR होता है, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। मतलब केबल की मेजरमेंट लेनी होती है, फाइबर की इंटीग्रिटी को टेस्ट होते हैं वो है इसके, और फॉल्ट लोकेशन है इसकी और स्प्लाइस की जो है मतलब इसके काफ़ी सारे इसमें मामला रहते हैं OTDR में। और ये जो पावर मीटर और ये जो हमारा सोर्स मीटर है ये इसमें क्या डिफरेंस है? ये कैसे पावर मीटर सोर्स मीटर ये भी डिवाइस ही हैं और ये सिस्टम की जो समझ लें कि एवरेज पावर है ना ये उसको टेस्ट करने के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। ये भी सेम OTDR की है लेकिन इससे हट के फंक्शन है इसका। और ये एवरेज पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या है क्या नहीं है, मतलब कि सिस्टम हमें क्या लॉस कर रहा है क्या गेन हो रहा है, तो ये सोर्स मीटर पावर मीटर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जनाबी वाला। ये और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है इसको जब हम सप्लाईज करते हैं जी, जो सप्लाईज करने के बाद इसमें कोई लॉस वगैरह भी होते हैं? जी बिल्कुल जनाब, इस पर लॉस आएंगे आपके, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप तो अच्छा सा सप्लाईज कर रहे हैं, फाइबर आपने अच्छा सा तैयार किया है,
फिर भी इसका लॉस आएगा, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन जो एक्सेप्टेबल रेंज है, मतलब जो अच्छी रेंज है, वो 0.01 से लेकर 0.3 तक है, 0.5 तक मतलब कि ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेस्ट जो रेंज है ये 0.3 तक रेंज है इसकी। लॉस लाजमी देगा ये, लॉस आपको लाजमी देगा, ये लाजमी आएगा इस पर। और इसका जो लॉस है डीबी में काउंट किया जाता है, जो आप ओटीडीआर से करेंगे या स्प्लाइस का जो लॉस है आप काउंट करेंगे वो डीबी में आएगा। अगर आप पावर मीटर सोर्स मीटर की जो आपने बात की थी अगर वो कैलकुलेट करेंगे वो डीबीएम में आएगा। और डीबीएम जो है वो ऑप्टिकल पावर है, और ये जो है ये जो डीबी है ये आप ओनली ऑप्टिकल लॉस होगा, ये मतलब स्प्लाइस लॉस को ये काउंट किया जाएगा जनाब। और ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं मोस्टली, जो आजकल यूज़ हो रही है? अच्छा, यूज़ जो हो रही है ओवरऑल देखें तो जितनी भी हमारी टेलीकॉम की कम्युनिकेशन है इसे उसकी उसमें यूज़ हो रही है, डिफेंस में यूज़ होती है, कमर्शियल यूजेज है इसका, इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, मेडिकल में भी यूज़ है इसका, और डेटा स्टोरेज जो है हमारे मतलब हमारे समाज के जो बड़े बड़े डेटा स्टोरेज हैं उसकी भी बैकबोन पे भी है और कनेक्टिविटी पे भी ये फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ की जाती है। अच्छा, और ये जो इसकी कलर कोडिंग होती है फाइबर ऑप्टिक केबल की? हाँ जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल इसके जनाबी वाला ये भी कलर कोड है, बाकी जिस तरह हर चीज़ के कलर कोड हैं इसके भी फाइबर के कलर कोड हैं, और ये 1 से 12 तक हैं, मतलब जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ब्लू से स्टार्ट होता है ये, मतलब कि आप ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, रोजी और एक्वा जो है ना, मतलब ये इसके कलर है, बड़ा स्टैंडर्ड कलर है। और कोर जो होती है इसमें? कोर जनाब इसमें डिफरेंट टाइप है, जिस तरह आपका प्रोजेक्ट है या डिज़ाइन है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने केबल लेना है थोड़ा सा फ्यूचर का भी सोचना पड़ता है। बहरहाल ये सिंगल कोर से भी लेके आपको 144 या ऐसे भी ऊपर तक हैं, लेकिन कॉमन यूज जो हैं 2 हैं 4 हैं 6 हैं 12 24 36 48 मतलब 96 144 ये कॉमन यूज में मतलब के इस्तेमाल ज़्यादा हो गए, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज या 48 तक जो है ये यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम आजकल ये वर्क कर रहे हैं सीसीटीवी पे, ओके, इसमें भी हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हम फाइबर ऑप्टिक केबल सीसीटीवी से लेके ये जो हमारी कंट्रोल रूम में जा रही है ये कैसे वर्क करती है? जैसे आउटडोर हम हमने कैमराज लगाए हैं उसके लिए ये कैसे वर्क कर रही है? बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया जनाब। ये एग्जांपल अगर आपने कोई कैमरा आउटसाइड में लगाया है या पैरामीटर में कहीं भी कैमरा लगाया आपने, वो कैमरा आपने थ्रू आउट जो है कि आपको कंट्रोल रूम में चाहिए, तो अमूमी तौर पे जहाँ पे आपने कैमरा लगाया है वहाँ तक आप डिस्टेंस वाइज जो है हम उसको लोकल केबल यूज़ कर रहे हैं मल्टी मोड, ठीक है जी, मल्टी मोड वहाँ पर स्प्लाइस की जाएगी। फिर हमने एक FEC आपको मालूम होगा, हमारी एक FEC होती है फील्ड इक्विपमेंट कैबिनेट हम उसको बोलते हैं, वहाँ पे ला के हम उसको सप्लाइज करेंगे, वहाँ पे ये सप्लाइज करने के बाद फिर वहीं पे हमारा स्विच लगा होता है, ठीक है। फिर ये जो स्विच जो है, फिर जो स्विच से एक लैदा केबल हम मतलब के इसका जो सप्लाइज करते हैं जो स्विच को और सिंगल मोड की केबल होगी वो हम थ्रू आउट जो है हमारे कंट्रोल रूम का जो रैक रूम होगा या टेलीकॉम रूम होगा वहाँ पे ला के दोबारा से ODI वगैरह में सप्लाई कर देंगे, वहाँ पर वहाँ से हम टाइमिंग स्विच में ले देंगे, फिर वही प्रोग्रामिंग और उसकी जो IP वगैरह हम देंगे और कैमरा इंशाल्लाह आपका चल पड़ेगा। अमूमी तौर पे कैमरा टू FEC आपकी मल्टी मोड केबल है फाइबर की, फिर आपकी FEC से लेके आपके कंट्रोल रूम तक जो केबल जा रही है मेन जो है वो आपकी सिंगल मोड ठहरेगी, और आपकी एक FEC पे आपका एक कैमरा नहीं होता, बार दफ़ा 6 हैं, बार दफ़ा 8 हैं 12 हैं, जिस तरह डिज़ाइन है या एरिया वाइज होगा आपके वैसे वहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी, एक कैमरा नहीं होगा, बहरहाल आपका डिज़ाइन रहेगा ही। लेकिन ये जो आउटसाइड के कैमरे हैं, बार दफ़ा आपका कैमरा अगर बिल्डिंग में लग रहा है तो वो आप UTP केबल में भी चला सकते हैं या आपको एक्सल केबल में भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपका आउटसाइड में लॉन्ग थोड़ा डिस्टेंस हट जाएगा कंट्रोल रूम से तो फिर वो फाइबर पर चला जाएगा जनाब। और कुछ जनाब हमारे लाइक जनाब? थैंक यू सर। जनाब आप आए, पूछा हमें भी रिफ्रेश कर दिया जनाब वाला आपने, तो जनाब दो दिनों के बाद आप आए, किधर होते हैं आजकल? त्रैफ में जनाब, त्रैफ में बादल बादल शमाल। चलिए जनाब, खैर, बड़ी मेहरबानी आप आए जनाब, शुक्रिया जनाब, थैंक यू।